के ताइवान दौरे के वक्त अमेरिका ने बिना लड़े ही चीन को आसमान में बुरी तरह शिकस्त दी थी। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने इसी महीने की 2 अगस्त को ताइवान का दौरा किया था और जैसे ही उनका प्लेन ताइवान की राजधानी ताइपे में उतरा, चीन की गीदड़ भभकी को एक जोरदार झटका लगा। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे अमेरिका ने चीन की चेतावनी को हवा में उड़ा दिया। असल में ताइवान को अपनी जागीर समझने वाले चीन ने धमकी दी थी कि नैंसी पेलोसी ताइवान के दौरे पर आईं तो उनके विमान पर हमला भी हो सकता है। चीन की इस धमकी के बाद नैंसी पेलोसी की सुरक्षा बढ़ाई गई और उन्हें अमेरिकी वायुसेना के साये में ताइवान भेजा गया। पेलोसी करीब 3 दशक बाद ताइवान पहुंचने वाली बड़ी नेता थी। मतलब ये कि चीन की तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिका ने अपनी नेता को ताइवान भेजकर उसकी हेकड़ी निकाल दी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक चीन ने पेलोसी के विमान को टारगेट करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। उसकी कोशिश यही थी कि किसी भी तरह नैंसी पेलोसी को ताइवान जाने से रोका जाए और इसके लिए चीन की नौसेना ने समंदर में घेरा डाल रखा था तो वायुसेना ने आसमान में नजरें गड़ा रखी थी। खबर के मुताबिक चीन ने इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट जैसे कि J-16D और जंगी जहाजों का इस्तेमाल किया था। उसका मकसद ये था कि किसी भी तरह पेलोसी के एयरक्राफ्ट को ट्रैक किया जाए। लेकिन चीन की ये चाल पूरी तरह फेल हो गई। दावा किया गया कि पेलोसी के विमान को ट्रैक करने के लिए लगाए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण पूरी तरह से जैम हो गए थे और खबर के मुताबिक चीन के ट्रैक करने वाले उपकरणों को नाकाम करने के पीछे अमेरिकी वायुसेना थी और अमेरिका ने चीन को इस लड़ाई में बुरी तरह मात दे दी। क्योंकि चीन की धमकी के बाद पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिक गई थी कि नैंसी पेलोसी के ताइवान जाते वक्त कहीं सच में किसी तरह का हमला ना हो जाए। इस वजह से अमेरिकी सेना के एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप को पेंटागन की तरफ से पेलोसी की सुरक्षा के लिए भेजा गया था और दावा किया गया कि इसी ग्रुप ने चीन के सैन्य उपकरणों को फेल कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, पेलोसी के प्लेन के लिए एक खास रास्ता भी तय किया गया था। उनके प्लेन ने ताइवान जाने के लिए मलेशिया से उड़ान भरी और पहले वो इंडोनेशिया की तरफ गया। इसके बाद इंडोनेशिया के उत्तर की तरफ फिलीपींस से होते हुए वो ताइपे पहुंचा। दावा किया गया कि अमेरिका की इस तरकीब से समंदर में तैनात चीनी नौसेना के जहाज तक इस फ्लाइट का पता नहीं लगा पाए थे। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, जहां कठुआ के चकदा गांव में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। पाकिस्तानी ड्रोन इस इलाके में करीब 5 से 7 मिनट तक रहा और फिर सीमा के पार चला गया। पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना अलर्ट है, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर पाकिस्तानी साजिश का नमूना देखा गया है। सीमा के अंदर पाकिस्तानी ड्रोन की मौजूदगी दर्ज की गई। भारत ने सीमा पार से घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी ड्रोन को ढेर करने की पूरी तैयारी कर ली है। मेक इन इंडिया के तहत ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया गया जो दुश्मन के ड्रोन को पलक झपकते नाकाम कर देगा। क्योंकि पूरी तरह से भारत में बना यह एंटी ड्रोन सिस्टम काफी ताकतवर है। आधुनिक तकनीक से लैस इस ड्रोन सिस्टम का अभी ट्रायल किया जा रहा है। ट्रायल पूरा होने के बाद भारतीय सेना इसका इस्तेमाल सीमा पर निगरानी के लिए करेगी। ये इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि ये इतना छोटा है कि इसे सुरक्षा बल अपनी वर्दी में कहीं भी फिट कर सकते हैं। सरहद पार से चीन और पाकिस्तान की तरफ से जो जितने भी ड्रोन आ रहे हैं उनको रोकने में ये बहुत कारगर और कामयाब डिवाइस है। जानकारी के मुताबिक ये भारत में अब तक के सबसे छोटे एंटी ड्रोन सिस्टम में एक है। यही वजह है कि इस खतरनाक एंटी ड्रोन सिस्टम को दुश्मनों का काल माना जा रहा है, क्योंकि इसमें लगे डिटेक्टर 1.5 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के ड्रोन का पता लगा सकते हैं। यही नहीं, इसमें खास तरह का जैमर भी लगा है जो दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने की ताकत रखता है। यह एंटी ड्रोन सिस्टम वजन में इतना हल्का है कि इसे जेब में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। संजय राउत पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कस गया। मुंबई में जमीन विवाद में घिरे शिवसेना नेता संजय राउत के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे गुट के विधायकों के सामने विपक्ष के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए महाराष्ट्र सरकार पर हमला किया और लिखा कि शिंदे गुट ने हिंदुत्व नहीं बल्कि मंत्री पद के लिए बगावत की। भारत के सख्त तेवर के बाद चीन के जासूसी जहाज पर श्रीलंका को सफाई देनी पड़ी। एक रोज पहले ही चीन का युआन वांग 5 नाम का जहाज श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह पर पहुंचा था, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक जासूसी जहाजों में एक माना जाता है। कहा जाता है कि चीन के इस जहाज में ऐसे ताकतवर सेंसर लगे हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल तक को ट्रैक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आशंका तो ये भी जताई गई कि चीन के इस जहाज की नजर भारत के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर है। इसी वजह से भारत ने सख्त लहजे में श्रीलंका से एतराज जताते हुए साफ कर दिया था कि चीन के जासूसी जहाज से भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
जिसके बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचे जासूसी जहाज पर सफाई दी, लेकिन खास बात यह रही कि उनके सुर भी ठीक वैसे ही रहे जैसे चीन के थे और उन्होंने भी चीन के ताकतवर जासूसी जहाज को एक रिसर्च शिप बता दिया। रानिल विक्रमसिंघे ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि चीन का जहाज जासूसी के मकसद से हम्बनटोटा बंदरगाह तक आया है। इसके साथ ही उन्होंने दलील दी कि अगर ऐसा कुछ होता तो वो चीन के इस जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने ही नहीं देते। हालांकि रानिल विक्रमसिंघे जिस हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन के जहाज को नहीं आने देने का दम ठोक रहे हैं, वो चीन ने श्रीलंका से 2017 में कर्ज के बदले 99 साल की लीज पर लिया था और इसीलिए वो बड़ी शान से अपने जासूसी जहाज युआन मांग 5 को भारत के नजदीक श्रीलंका के बंदरगाह पर ले आया, जबकि इससे भारत के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस जहाज से रिसर्च करने की बात करना तो चीन की बस एक चाल है, उसका असल मकसद तो समंदर से भारत की जासूसी करना है। खबरों के मुताबिक युआन मांग 5 जहाज इतना ताकतवर है कि इसके जरिए करीब 750 किलोमीटर तक निगरानी की जा सकती है, जबकि हम्बनटोटा पोर्ट से तमिलनाडु के कन्याकुमारी की दूरी करीब 450 किलोमीटर है, यानी दक्षिण भारत के प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकाने युआन मांग 5 की जद में होंगे। यही वजह है कि भारत की भी चीन के इस जहाज की हर हरकत पर पूरी नजर है। एनी डेवलपमेंट्स व्हिच हैव अ बेयरिंग ऑन आवर सिक्योरिटी ऑब्वियसली इज ऑफ इंटरेस्ट टू अस। चीन का जासूसी जहाज युआन मांग 5 16 अगस्त से 22 अगस्त तक श्रीलंका के बंदरगाह पर रहेगा। वहीं गुजरात के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। सबसे बुरा हाल सूरत का देखने को मिला, जहां पानी ने ऐसा कब्जा जमाया कि सड़कें कहीं गुम हो गई। वहां जगह जगह इतना पानी भर गया कि गाड़ियों का आधा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। लोगों के मकानों में पानी घुस गया। जो लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं वो पानी से बचने के लिए ऊपर की मंजिलों पर भागे, लेकिन पानी के साथ खाने पीने की दिक्कत ने उन्हें बेबस कर दिया। हम लोगों को बहुत तकलीफ होता है, पानी इतना आता है ना कि सब लोग घर में घुस जाता है पानी। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में शहर का एक इलाका पानी में डूबा नजर आया। जहां तक नजर गई वहां तक पानी दिखाई दिया, चाहे सड़कें हो या लोगों के मकान, सब कुछ पानी की जद में दिखे, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इन हालात में इन इलाके में रह रहे लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए, लेकिन परेशानी तो सबसे ज्यादा उन्हें उठानी पड़ी जिन्हें खुद को संभालने के लिए दूसरों के सहारे की जरूरत है। सूरत के ही एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई उसमें एक गर्भवती महिला को नाव पर बिठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। वो सड़कों पर पानी भरने की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। ऐसे में उस महिला और उसके परिवार के दूसरे कुछ लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित जगह पर भेजा गया। इसी तरह नर्मदा जिले में बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के 23 गेट खोलने पड़े और वहां से करीब 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी की वजह बन गई। रायसेन के पास एक गांव में बारिश की वजह से ऐसा उफान आया कि पुल को पार करने में लोगों की जान पर बनाई, क्योंकि उनकी कार पुल के बीचों बीच पहुंचते ही बंद हो गई, जिसके बाद उन्हें उफान मारते सैलाब में बह जाने का डर सताने लगा। मटमैले पानी के रेले में कार डूबने की कगार पर थी कि तभी कुछ लोग मदद के लिए आगे आए। उन्होंने कार के एक हिस्से को रस्सी से बांधा और दूसरा छोर एक ट्रैक्टर के पिछले हिस्से से बांध दिया। इसके बाद उन लोगों ने किसी तरह कार को सैलाब से बाहर निकाला, तब जाकर उसमें मौजूद 5 लोगों की जान बच पाई। बताया गया कि वहां कई घंटों तक हुई जबरदस्त बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। वहां एक बस तो पानी में लगभग पूरी तरह डूब गई। इसके बाद तो जहां तक निगाह गई सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया। असल में वहां हुई मूसलाधार बारिश की वजह से डैम के कई गेट खोलने पड़े, जिसके बाद रायसेन टापू में तब्दील हो गया। और कुछ ऐसी ही हालत पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की भी हुई। वहां भी आसमान से बरसी आफत ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया, जिसकी एक तस्वीर आई दुर्ग से। वहां तो बरसाती पानी का तांडव ऐसा था मानो किसी नदी का मुंह शहर की तरफ मोड़ दिया गया। तेज रफ्तार से बहता पानी सब कुछ लील जाने पर आमादा दिखा, जिसकी जद में आकर एक रिहायशी बिल्डिंग का परिसर तालाब में बदल गया। वहीं दुर्ग के बस अड्डे में खड़ी बसों को देखकर ऐसा लगा मानो एक कतार में नाव खड़ी हो। वहां करीब 20 बसें आधे से ज्यादा पानी में डूबी नजर आईं। दावा किया गया कि वहां कई घंटों से जारी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से चारों तरफ पानी भर गया। महाराष्ट्र के नासिक में भी भारी बारिश ने तबाही मचा दी। पिछले 24 घंटों में वहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से वहां के लोगों का जीना मुहाल हो गया। नासिक जिले से सामने आए एक वीडियो में कुछ लोग नदी पार करने की तैयारी करते दिखाई दिए। इसके लिए उन सब ने ट्यूब की मदद ली। तैयारी पूरी होने के बाद वो लोग नदी के बहाव के बीच ट्यूब के साथ पानी में उतर गए, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि नदी में उतरते ही कुछ लोगों का संतुलन बिगड़ गया। हालांकि सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और सभी लोग ट्यूब की मदद से सुरक्षित नदी को पार कर गए। यहाँ पुल होना चाहिए बड़ा सा,
बताया गया कि नदी पर पुल न होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। महाराष्ट्र के विदर्भ से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई, जहां भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश का पानी सड़कों और मकानों में भर गया, जिसकी वजह से कई लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। वहां से सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया, जिनमें कई मकान और झोपड़ियां बाढ़ में डूबी दिखाई दी। वहीं एक दूसरे इलाके से आए वीडियो में सड़क पर घुटने तक भरे पानी में कुछ लोग चलते नजर आए, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ से सैलाब बहता दिखाई दिया। हालांकि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस खौफनाक मंजर को देखकर वहां मौजूद लोगों की रूह कांप गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें पहाड़ों के बीच से तेज रफ्तार से पानी गिरता नजर आया। एक मंदिर भी मौजूद था वहां, जिसमें देखते ही देखते पानी भर गया। इसके बाद तो लगा जैसे